अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इरफान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हम इसमें ना क्यूब का फार्मूला खोल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 को लिख सकते हैं हम 1 का क्यूब। अब हम खोलेंगे क्यूब का फार्मूला, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, बी की जगह पे वैल्यू 1 है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और माइनस ए बी, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है। ये हमने खोल दिया क्यूब का फार्मूला। क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला लगा के हमने इसको खोल दिया। अब यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स को पहले लिख लेते हैं और प्लस 1 को बाद में लिख देते हैं। अब यहाँ से देखें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको पुट कैसे करना है, यहाँ पे x की पावर लीनियर है, इसको हमने पुट करना है a डिवाइडेड बाय x प्लस 1। और यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, यहाँ पर लीनियर नहीं है, इसके फैक्टर भी नहीं बन सकते, तो इसको हमने डबल में पुट करना है। इसको हम कैसे पुट करेंगे, बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में पुट करेंगे। इसको तो सिंगल में एक में ही पुट करना है a में, लेकिन इसको डबल में, x सिर्फ पहले के साथ आएगा, इसको हमने क्या करना है, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 रखा है, बी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब यहां से देखिए हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहां पे जो नीचे है उसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यहां से, तो यहां से ये हो गया कैंसिल, तो यहां पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अब देखें ए के साथ, ए के साथ एक्स प्लस 1 के साथ एक्स प्लस 1 हो गया कैंसिल, तो ए के साथ ये बच गया यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस यहां पे क्या आ गया, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी इसके साथ ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके साथ ये कैंसिल, तो इसके साथ ये बच गया। इन सिंपल ए के साथ ये वाला बच जाएगा और बी के साथ, बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाला बच जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये जो ये हो जाएगा बी एक्स, इसको भी मिलेगा एक्स प्लस 1 और प्लस सी को भी मिल जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि ये दोनों का है, दोनों को मिलेगा। अब यहाँ से देखें ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी, बी को अकेला करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, एक्स एक्स साथ होगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स को वन के साथ करवाएंगे, ये हो जाएगा एक्स और प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ से पहले हमने इसको लेना है, इसको हमने जीरो के को रखना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से करते हैं, पुट करते हैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो के एक बार रखना है। यहाँ से हम एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, माइनस 1 पुट करना है। अब यहाँ पे देखें इस एक्स की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर आगे कितना आ रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं एक स्टेप पीछे वाले में पुट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ए इंटू इस x की जगह पे पुट करेंगे माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर आगे आ रहा है माइनस, इस x की जगह पे पुट करेंगे माइनस 1 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1, ये पुट कर दिया हमने a के अंदर। अब देखें प्लस b, अब यहाँ पे b पे देखें जब x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं माइनस 1, यहाँ पे जब पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा यहाँ से जीरो, प्लस सी में भी जब पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 तो सी भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 जीरो, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, सी भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, बाकी यहाँ से बच गया ए। अब यहाँ पे देखें ए
माइनस वन का स्केयर, स्केयर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, ये आ गया वन, ये माइनस माइनस, ये भी वन, और ये भी यहाँ से वन, और ये वन माइनस वन का स्केयर वन प्लस वन, वन प्लस वन ये हो गया यहाँ से टू, और यहाँ से ये हो गया थ्री, तो ए की कितनी वैल्यू आ गई, टू बाय थ्री, ये थ्री इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, अब इसको हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर नहीं है, इसको हम पुट नहीं कर सकते, इसको हमें इक्वेटिंग करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द इक्वेटिंग द, अगर ये लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना तो वैसे भी कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर, क्वेश्चन नंबर वन को दोबारा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन में देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, कोफिशिएंट यहाँ पे जो इसके साथ होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, वन इज इक्वल टू ए। अब ए का कोफिशिएंट देखें, ए में एक्स स्क्वायर है, यहाँ से देखें ए एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, यहाँ से ए आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए में आ रहा है, बी में एक्स स्क्वायर आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या, जिसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है वो लेना है, एक्स स्क्वायर ए के साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है, और सी में ये नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे देखें वैल्यू, अब ये आ गया वन इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी आई थी, टू बाय थ्री प्लस बी, अब ये आ जाएगा वन माइनस टू बाय थ्री, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा वन, इसका लेते हैं एलसीएम, थ्री के साथ थ्री कैंसिल, ऊपर आ गया टू और थ्री वन द थ्री, अब बी थ्री में से टू निकालें तो ये हो जाएगा वन ओवर थ्री, ये निकल आई यहाँ से बी की वैल्यू। अब हमने निकालनी है सी की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स, पहले एक्स का कोफिशियंट कंपेयर करो, सबसे बड़ी पावर एक्स की थी, अब हम करते हैं एक्स का कोफिशियंट कंपेयर, एक्स का कोफिशियंट कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक्स वाला कोफिशियंट, अब देखें एक्स वाला कोफिशियंट यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर वन के अंदर, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या आ गया, जीरो, और एक्स इसमें है, अब देखें यहाँ पे इसमें एक्स का कोफिशियंट देखें, एक्स का कोफिशियंट इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स का कोफिशियंट ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स तो है लेकिन ये इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए, माइनस लाजमी लिखना है, ये आ गया माइनस ए, अब एक्स इसके अंदर भी आ रहा है, ये आ गया प्लस बी, क्योंकि बी के साथ भी एक्स आ रहा है, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, सी, जिसका भी एक्स का कोफिशिएंट जो भी आ रहा है। अब देखें यहाँ से माइनस ए, ए की कितनी वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू है टू बाय थ्री प्लस बी, बी की कितनी वैल्यू आई, वन बाय थ्री, और सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी, इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस का टू बाय थ्री इधर आके प्लस का टू बाय थ्री, और प्लस का वन ओवर थ्री इधर आके ये हो जाएगा माइनस का वन ओवर थ्री इज इक्वल टू सी। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम थ्री आ जाएगा, थ्री के साथ थ्री कैंसिल, यहाँ से आ गया वन, और थ्री के साथ थ्री कैंसिल, यहाँ से आ गया टू, तो ये आ गया यहाँ से सी, तो अब सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, टू माइनस वन कितना आ गया, वन, ये आ गया वन ओवर थ्री इज इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई, और सी की वैल्यू निकल आई, अब हमने क्या करना है, उसके अंदर पुट इसको कर देना है, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब देखें हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, पहले आ रहा है ए, ए की वैल्यू हमने निकाली टू बाय थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बाय थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ये जो टू बाय थ्री था ना, टू पर लिखना है और बटे वाला थ्री नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ से बी, बी की वैल्यू हमने निकाली वन ओवर थ्री, यहाँ से आ जाएगा वन ओवर थ्री, इसके साथ क्या आ रहा है एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू भी कितनी निकाली वन ओवर थ्री डिवाइडेड बाई नीचे ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा टू बाय थ्री इंटू एक्स माइनस वन, और इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा थ्री, वो थ्री आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पहले नीचे है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे थ्री आएगा तो वो थ्री यहाँ पे नीचे आ जाएगा, थ्री के साथ थ्री कैंसिल, ऊपर कितना बच गया वन एक्स, तो वन लिखे या ना लिखे यहाँ पे एक्स बच जाएगा, यहाँ भी थ्री के साथ थ्री कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा वन, तो ये आ गया इसका आंसर। अच्छा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर माइनस नहीं था बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा था
प्लस आ रहा है तो यहाँ पे हमने प्लस यूज करना है।